किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें जो किसान है वो नर्सरी डाल रहे हैं। तो किसान भाइयों, नर्सरी डालने का समय हो गया है। अब क्या है कि आप दुविधा में पड़े हुए हो, किस धान की नर्सरी डालनी है, किस धान की नर्सरी नहीं डालनी है। तो आज मैं ऐसे ही एक अच्छे धान के बारे में बात करने वाला हूँ, जो धान अच्छा उत्पादन देता है और उसका मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है। ये पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा लगने वाला धान है। यह राशि कंपनी का 4007 धान है। ये अंगेती किस्म का धान है। ये 4007 की अगर बात करें कि ये कितनी अवधि का है, तो ये 110 दिन में तैयार हो जाता है। इसमें ये अंगेती किस्म का रहता है। अगर इसके पैदावार की बात करें तो इसकी पैदावार 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ हो जाती है। और अगर बात करें कि यह धान कैसा है, तो यह धान किसान भाइयों यूपी में सबसे ज़्यादा लगने वाला धान है। इस बार इस धान की काफ़ी शार्टेज रही पूरे यूपी में। जहां कहीं भी अगर 4007 RRX 4007 राशि कंपनी का आपको मिल रहा है, तुरंत ही खरीद कर रख लें, नर्सरी भले ही बाद में डालें, क्योंकि इस बार धान की काफ़ी शार्टेज है, धान नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अगर अंगेती किस्म का आप धान लगाना चाहते हैं तो 4007 धान लगाएं। या राशि बीज कंपनी का धान है और इसका उत्पादन भी अच्छा है। और ये जो धान है, ये आर्यस्टन यानी बासमती सेगमेंट में लंबा धान है। और इसमें एक और ख़ासियत है, ये गिरेगा नहीं, लास्ट तक हरा रहता है, जिससे ये धान गिरता नहीं है, क्योंकि इसका जो डंठल होता है वो मजबूत होता है। और यह एक हाइब्रिड धान है और इसको अभी मार्केट में आए हुए 2 से 3 साल ही हुआ है, जिससे क्या है, इसमें कोई रोग कीट नहीं लगते हैं, क्योंकि जो वैरायटियां बहुत पुरानी हो जाती हैं उनमें रोग और कीट ज़्यादा हावी होते हैं। जो नई किस्में होती हैं उसमें रोग कीट लगने की क्षमता कम रहती है। तो किसान भाइयों, अगर अच्छा उत्पादन लेना है, अंगेती किस्म का धान लगाना है, तो आप 4007 धान लगा सकते हो। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये किसान लाइन लगा के 4007 ले रहे हैं। ये हमने एक जगह देखा था कि 4007 की इतनी डिमांड बन गई है मार्केट में, जो भी किसान आ रहा है 4007 ही मांग रहा है। तो किसान भाइयों, जहां कहीं भी अगर आपको 4007 मिलता है, आप 4007 ले लें, क्योंकि किसान भाइयों ये अंगेती किस्म का 4007 धान है। इसमें आप जो है आगे आलू सरसों जो भी फसल दूसरी लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। या धान 110 दिन में कट जाएगा और इसका उत्पादन भी अच्छा मिलने वाला है और यह खाने में भी अच्छा है। तो यह धान आप 4007 राशि बीज कंपनी का ले सकते हो और नर्सरी इसकी डाल सकते हो। और इसमें एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, जो इसकी बाली आती है वो बहुत लंबी बाली होगी और इसमें लरियों की संख्या ज़्यादा होती है। अगर किसी धान की बाली में लरियों की संख्या ज़्यादा है तो उसमें दानों की भी संख्या ज़्यादा होगी। अगर दानों की संख्या ज़्यादा है तो उसमें वजन भी ज़्यादा होगा। इसी वजह से 4007 में जो है ज़्यादा उत्पादन निकलता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें सारे किसान 4007 ही लिए जा रहे हैं, तो आप भी इस बार 4007 लगाइए और अच्छा उत्पादन पाइए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही खेती से रिलेटिव अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। ये किसानों की पहली पसंद बन चुका है। हर किसान यही मांग रहा है आज मार्केट में, 4007 4007। तो अब की बार 4007 यूपी में सबसे ज़्यादा बिकने वाला धान होगा, क्योंकि यह नंबर वन वैरायटी बन चुकी है। किसान इसको जान चुका है और यह उत्पादन भी ज़्यादा दे रही है। तो इस बार किसान भाई 4007 ही लगा रहे हैं, तो इस बार 4007 लगाइए और अच्छा उत्पादन पाइए, और इसका रेट भी मार्केट में बहुत अच्छा मिलने वाला है।
तो किसान भाइयों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।